वेलकम टू बीएससी ट्रिकी क्लासेस। आज हमारे ज्योमेट्री टॉपिक से सर्किल का पार्ट सेकंड है। तो आज की वीडियो में हम लोग सर्किल के प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस पार्ट को देखने से पहले हमारे सर्किल के पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सर्किल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे वो हमने उस पार्ट फर्स्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सर्किल की प्रॉपर्टी की। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्किल। तो आज हम लोग सर्किल की प्रॉपर्टियाँ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की। क्या है पहली प्रॉपर्टी? एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे समद्विभाजित करता है, यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक सर्किल आपके सामने है, माना इसका एक केंद्र है आपका ओ, वो इसका एक केंद्र है, ठीक है। ये आपकी कॉर्ड दे रखी है, इस ये कॉर्ड है आपकी ए बी, ठीक है। तो इस केंद्र से इस कॉर्ड पर डाला गया जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, यानी कि इस पर डाला गया जो लंब है, वो वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर ये पॉइंट एम है तो इसलिए हम कह सकते हैं इस आधार पे ए एम बराबर एम बी होगा। कब होगा? अगर आपको ये चीज पता होगी, अगर आपका ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे समद्विभाजित करता है। नोट कर लीजिए आप लोग इस प्रॉपर्टी को। तो पहली प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्किल की सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि बराबर आर्क की संगत कॉर्ड हमेशा बराबर होती है, यानी कि बराबर चापों की संगत जीवाएं बराबर होती हैं। तो सेकेंड आपकी जो प्रॉपर्टी है, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, क्या है हमारी? कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू इक्वल आर्क्स आर इक्वल, यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपके सामने एक सर्किल है, ठीक है। तो इस पर हमने एक दो कॉर्ड ली, एक कॉर्ड ली जैसे कि हमने ए वी इस आर्क पे ले ली, ठीक है। एक हमने ली सी डी, ये हमने इस आर्क पर ले ली। तो बराबर चाप, ये दोनों अगर ये चाप अगर बराबर है तो हमारी ये कॉर्ड कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी भी बराबर होगी, ठीक है। या फिर इसका अपोजिट रूल क्या है? अगर आपकी ये ए बी और सी डी अगर जीवाएं दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आर्क बराबर होंगी, वरना आपको ये दोनों आर्क बराबर दे रखी होंगी तो ये दोनों जीवाएं बराबर होंगी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कहने का मतलब आप लोग मेरे। इफ आर्क ए बी अगर इक्वल है आर्क सी डी के, तो हमारी कॉर्ड ए बी बराबर कॉर्ड सी डी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी की। तो अब बात करते हैं हम लोग थर्ड थ्योरम की। क्या है? वृत्त की बराबर जीवाएं
केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। अगर जैसे कि आपको, जैसे कि आपके वृत्त में दो जीवाएं दे रखी हैं, जैसे कि पहली जीवा है आपकी ए बी और दूसरी जीवा है आपकी सी डी, अगर ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, अगर ये दोनों जीवाएं इक्वल हैं, तो वृत्त के केंद्र पर बराबर के कोण बनाती है, यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल आपका ये होगा। ठीक है, तो क्या है, वृत्त की अगर बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, तो आपकी थर्ड थ्योरम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्या है आपकी इक्वल कोण ऑफ सर्किल सबस्टेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर दो कॉर्ड हमारी, अगर एफ कॉर्ड ए बी इक्वल कॉर्ड सी डी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इस आधार पे कि एंगल वन और एंगल टू दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर के कोण बनाती हैं, तो ये था केंद्र ओ था, तो बराबर के कोण बनाए, जैसे कि एंगल वन बराबर एंगल टू। अब बात करते हैं हम लोग इसके फोर्थ प्रॉपर्टी की सर्किल के, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे सर्किल में ये है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। तो जैसे कि आपका केंद्र है, इसका केंद्र है आपका ओ, जीवाओं की बात करें तो इसके दो जीवाएं हैं, पहली जीवा मानी हमने ए बी, दूसरी जीवा मानी हमने सी डी, जो दो जीवाएं हैं, ये है ए बी और ये है जीवा सी डी। ठीक है, तो क्या है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से भी बराबर दूरी पर होती हैं, तो जितनी दूरी इसकी यहां से यहां तक है उतनी दूरी इसकी यहां से यहां तक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग थ्योरम नोट कीजिए, थ्योरम क्या है आपकी, इक्वल कॉर्ड इक्वल कॉर्ड्स ऑफ आ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो आप लोग बात समझ गए होंगे, अगर आपकी ए बी और सी डी दो जीवाएं बराबर हैं, यानी कि दोनों कॉर्ड अगर बराबर हैं, तो उनकी केंद्र से भी दूरी बराबर होगी, उन जीवाओं की केंद्र से भी दूरी बराबर होगी। तो नोट कर लीजिए इसको, इफ कॉर्ड ए बी इक्वल कॉर्ड सी डी, देन एम ओ बराबर ओ एन। ठीक है, यानी कि अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से भी उनकी दूरी सदैव बराबर रहती है। अब बात करते हैं फिफ्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी की सर्किल के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी में, एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसके द्वारा वृत्त के शेष भाग में किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है, यानी कि द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। जैसे कि कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे कि सर्किल का केंद्र माना ये आपका ओ है, इसकी आर्क पर, ठीक है, कि सर्किल के जैसे कि हमने इतनी आर्क ली यहां तक, इस आर्क से बनाया गया केंद्र पर एंगल सर्किल के किसी भी भाग में सर्किल पर कोई बिंदु लेने पर, ठीक है, वो इसका डबल होता है। तो एक वृत्त के चाप द्वारा, तो इस वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, जैसे कि माना हमने एक्स, इसके द्वारा वृत्त के शेष भाग में किसी भी बिंदु पर, तो वृत्त के शेष भाग में किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का ये दो गुना होता है।
तो मेरी बात के कहने का मतलब इतना था कि अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये इसका 2 गुना होगा। क्यों होगा? क्योंकि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना गया कोण इसके द्वारा वृत्त के शेष किसी भी भाग पर बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। तो थ्योरम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम से मोस्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो नोट कर लीजिए। द एंगल सब्सटेंड द एंगल सब्सटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंड बाई इट सब्सटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी भी भाग में किसी बिंदु पर उसके द्वारा बनाए गए कोण का ये 2 गुना होता है। यानी कि एक्स बराबर 2 वाई, अगर हमने सपोज दैट इस बिंदु पर अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, तो इसी चाप द्वारा अगर हम लोग इसी चाप से, और ये हमारा मानते ये हमारा होता अल्फा, तो इस आधार पे हम लोग क्या कह सकते थे कि हमारा एक्स होगा वो हमारे 2 अल्फा के इक्वल होगा, क्योंकि एक ये केंद्र पर बन रहा है और ये इसके वृत्त के किसी भी बिंदु पर बन रहा है। तो याद रखिएगा, एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसके द्वारा वृत्त के शेष भाग में किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है आप लोगों को किसी भी एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसके बाद हम लोग इसकी जो अभी आगे प्रॉपर्टियां बची हुई हैं सर्किल की, उन पर भी आप लोगों से मैं बात करूंगा और अगले पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और जो इसके थ्योरम रह गई है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।